नमस्कार, E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आज एक बार फिर हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत को गुजरे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। CBI पूरे मामले की जांच कर रही है और सुशांत से जुड़े कोई ना कोई खुलासे रोजाना हो रहे हैं जो लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं। इसी बीच एक तरफ पूरा परिवार सुशांत का, सुशांत के चाहने वाले इस उधेड़बुन में है कि कब आखिर इस सच पर से पर्दा उठेगा कि उनके मौत के पीछे की वजह क्या है, तो दूसरी तरफ ये सभी लोग सोशल मीडिया पर सुशांत को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और जितना भी हो सकता है आगे आकर उसी कड़ी में सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति तो लगभग समझ लीजिए रोजाना एक पोस्ट करती हैं अपने भाई के नाम पर और सभी से गुहार लगाती हैं कि सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रे करें कि सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। इसके अलावा वो पुरजोर विरोध कर रही हैं रिया चक्रवर्ती का और जितने भी दावे रिया कर रही हैं उन सभी का विरोध श्वेता कर रही हैं और इसकी बानगी सोशल मीडिया पर भी दिखाई देती है। हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर ग्लोबल प्रेयर के आयोजन की बात कही है। संडे यानी कि आज 8 बजे से ये 24 घंटे के लिए ग्लोबल प्रेयर शुरू हुआ है। आपको बता दें इससे पहले भी 24 घंटे की प्रार्थना श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने सभी चाहने वालों, अपने सभी शुभचिंतकों और सुशांत के चाहने वालों के साथ मिलकर शुरू की थी। वो कामयाब भी हुई थी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस ग्लोबल प्रेयर में हिस्सा लिया था और एक बार फिर आज से इसकी शुरुआत की है। अगले 24 घंटे तक के लिए सुबह 8 बजे से ये प्रेयर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं श्वेता सिंह कीर्ति। वो जिस तरह के पोस्ट कर रही हैं वो साफ तौर पर ये एहसास दिला रही हैं कि वो अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और होना लाजमी भी है। 4 बहनों में इकलौता भाई और जब वो इस तरह से उसकी मौत गुत्थी बन जाए तो कोई भी परेशान हो सकता है, पूरा देश परेशान है, ना सिर्फ सुशांत का परिवार और उनकी बहनें। दूसरी तरफ सुशांत के जो जीजा हैं, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति के जो पति हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम है विशाल कीर्ति, वो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो रही हैं। अपने ब्लॉग में वो काफ़ी ऐसी बातें लिखते हैं जो कहीं ना कहीं प्रकाश डालती हैं कि सुशांत कैसे थे, सुशांत से फैमिली का बॉन्ड कैसा था। और अब उन्होंने अपना एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा रिया को एक मंच मिला है और वहाँ पर रिया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई है। इस 2 घंटे के इंटरव्यू में कहीं भी नहीं लगा कि रिया सच जानना चाहती हैं, ना ही उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके अलावा विशाल कीर्ति ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा है कि मैं रिया की टोन देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ। बहुत सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में विशाल कीर्ति ने कही हैं जिनमें से एक ये भी है कि ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद इस तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है और बहुत बड़े आका हैं जिनको बचाने के लिए ये चमचे आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विशाल कीर्ति भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि न सिर्फ रिया बल्कि रिया के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाले और भी लोग हैं। तो देखा जाए तो पूरा परिवार, सुशांत के चाहने वाले, तमाम दिग्गज नेता और ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन यही मान के चल रही है कि ये मर्डर है और जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अब बस सभी को इंतज़ार है जल्द ही CBI किस निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई ना कोई ऐसा सबूत CBI के हाथ लगे जो ये साबित कर सके कि ये मर्डर किसने किया है, क्यों किया है और किन हालातों में ये पूरा जो घटनाक्रम है ये घटित हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो डेवलपमेंट हुई है ये भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बता दें। ड्रग एंगल जो पूरा निकल कर सामने आया है उसमें गोवा के रहने वाले एक गौरव आर्या का नाम सामने आया है। रिया से इनकी चैट हुई है और इसमें बकायदा ड्रग्स को लेकर बात हुई भी है। गौरव आर्या नाम का ये जो शख्स है गोवा में एक होटल चलाता है, इसको प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया था। ये गोवा से रवाना हो चुका है, मुंबई पहुंचेगा और जल्द ही अपने बयान दर्ज कराएगा। इसके अलावा CBI ने सुशांत की बहन मीतू जो कि 8 जून से लेकर 13 जून तक वहां पर रही थी सुशांत के फ्लैट में, उस दौरान क्या कुछ हुआ, सुशांत कितने परेशान थे, कितने नहीं, रिया चक्रवर्ती ने जो दावे किए हैं, इन सब को लेकर मीतू से भी पूछताछ होगी। लिहाजा CBI ने उनको भी समन भेज दिया है। खबर है प्रियंका जो कि सुशांत की बहन है जिन पर रिया ने मोलेस्टेशन के आरोप लगाए हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो अब सभी को उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इस केस में हो और सुशांत की मौत का सच सबके सामने आ सके।
बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी पल पल की अपडेट E24 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।